कृतिका के निकल चुके हैं आंसू और गले लगा लिया है अरमान मलिक को। अरमान मलिक को हर कोई टारगेट करता रहता है, ऐसा फील करके जो है कृतिका की आंखों में आंसू आ चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दीपक चौरसिया जो है पहले भी अरमान मलिक के साथ लड़ाई कर चुके हैं, और जब भी वो लड़ाई करते हैं तब उनकी टोन इतनी ज़्यादा ऊपर हो जाती है और इतना ज़्यादा घमंड जो है उनमें दिखाई देता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। जिसके ऊपर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और दीपक चौरसिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और इन्हीं चीजों के कारण वो अभी तक भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अभी जो है अरमान मलिक की मुनीशा के साथ भी लड़ाई हुई, चंद्रिका दीक्षित के साथ भी लड़ाई हुई है, और शिवानी के साथ भी लड़ाई हुई है, और वहीं पर जो है काफी सारे जैसे कि विशाल के साथ भी लड़ाई हो गई। हर एक चीज जो है आप लोग देख रहे हैं, पर यहां पर जो है गार्डन एरिया में आके गोलू जो है यानी कि कृतिका जो है वो रोने लग जाती है और बोलती है कि तो ये बोलते गोलू तू क्यों रो रही है, तो बोलती है कि आप ही को सब लोग टारगेट करते हैं, क्यों मुझे आप ही को क्यों टारगेट करते रहते हैं, मुझे वो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, इतना बोल के गले लगा लेती है। तो फिर वहां पर अरमान मलिक जो है काफी ज्यादा उसको समझाने लग जाते हैं कि ये तो ऐसा करेंगे ही ना, ये तो यहां पर गेम ही है ना, और स्ट्रांग भी तो है तो उसको ही तो वो लोग करेंगे, तो वगैरह वगैरह सब बातें बोलते हैं। पर अगर बाहरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें तो अरमान मलिक के साथ उनके व्लॉग्स में उनकी वीडियोज में जो है ज्यादा क्लोज जो है दोनों ही नजर आती हैं, पर ज्यादातर जो है पायल दिखाई देती है अरमान मलिक के साथ है हमेशा ही। पर अगर इस घर में देखा जाए तो अरमान मलिक और पायल की ज्यादा बॉन्डिंग नहीं नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे पायल जो है कहीं ना कहीं दिल से आज भी उदास है, और आज भी जो है वो अभी इन दोनों के रिश्ते को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। आज की दुनिया में जो कलयुग चल रहा है, जो कि एक्चुअली में सगा भाई अपनी माँ को, मतलब कि बेटा जो है अपनी माँ को बाहर निकाल देता है अपनी बीवी के चलते हुए, तो क्या ये मतलब कि आज के ज़माने में एक ही घर में, बोलते हैं ना कि एक ही मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो आज के ज़माने में क्या ये सब चीज़ें हो सकती हैं भाई? नॉर्मल लड़कियाँ भी अगर रहती है तो साथ में तो लड़ाई ज़रूर होती है, घर के अंदर ही हो जाती है, तो ये सौतन होने के बाद भी आराम से रहती हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा उटपटांग वाली चीज है ना। तो ये भी चीजें दिखाई दे रही है कि पायल के दिल टूटा हुआ है, पायल सिर्फ और सिर्फ मजबूरी के लिए और इतने फेम के लिए जो है वो चुप बैठी, अपने मुंह पे उसने चुप्पी साधी हुई है, पर अरमान मलिक जो है ज्यादा टाइम और ज्यादा केयर और ज्यादा प्यार जो है वो कृतिका को ही करते हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ है। पायल का मुझे ऐसा बॉन्डिंग नहीं लगता, और इन्हीं चीजों के कारण शायद पायल जो है थोड़ा दूरी रहती है इनसे, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।